तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी दोस्तों मैं आया हूँ एनर्जी पार्क। तो आज के इस वीडियो में एनर्जी पार्क को एक्सप्लोर करते हैं और आइए चल के घूमते हैं और देखते हैं सुबह यानी कि मॉर्निंग का व्यू एनर्जी पार्क में कैसा होता है। तो बाहर से दोस्तों आपको एनर्जी पार्क बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ये देखिए। तो आइए टिकट काउंटर पर चलते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको तीन तरह का टिकट मिलेगा, वाइट बैंड, येलो बैंड और रेड बैंड टाइप का टिकट। वैसे मॉर्निंग आवर में 5 रुपये का ये टिकट मिल गया मुझे। तो अब हम लोग अंदर आ गए हैं दोस्तों। सामने में मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने में लग रहा है। यह पार्क काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपको दिखने वाला है। ये देखिए चारों तरफ पूरा ग्रीनिश है, ये देख पा रहे हैं ये पेड़ कितना लंबा है। यहाँ पे ओपन जिम है। ओपन जिम का मतलब कि खासियत ये है दोस्तों कि यहाँ पे नर और मादा जो है वो साथ में जिम करते हैं, कोई भी पार्टीशन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि नर मादा दोनों साथ में ही जिम कर रहे हैं। ये अंकल जी पूरे मतलब जोरों शोर पर लगे हुए हैं। एनर्जी पार्क में आपको बाकी पार्क के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर आपको जिम करने का सामान मिल जाएगा, शायद इसीलिए यहाँ का नाम एनर्जी पार्क रखा गया है। देखिए यहाँ पे सभी लोग एनर्जेटिक हो रहा है। यहाँ आंटी जी कोई भी काम के लिए टांग अड़ाना सीख रही है, घर का कोई भी काम में कैसे टांग अड़ा सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन प्लेग्राउंड अब आ गया है। यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए भी काफ़ी सारे झूले हैं। बाकी सब पार्क से थोड़ा कम है लेकिन सफिशियंट है यहाँ पर। यहाँ इतना ही झूला है, आगे में स्केटिंग रिंग है, यहाँ पे स्केटिंग सिखाया जाता है। अभी फ़िलहाल तो नहीं सिखाया जा रहा है लेकिन शाम के समय में काफ़ी यहाँ पे स्केटिंग सिखाया जाता है बच्चों को। यहाँ आपको दोस्तों कैक्टस का काफ़ी ज़्यादा प्लांट मिल जाएंगे। तो आइए और आगे चलते हैं और देखते हैं एनर्जी पार्क का जो तालाब है, ये देखिए कितना अच्छा मतलब तालाब को बनाया गया है। चारों तरफ से पत्थर बिछा दिया गया है बैठने के लिए। तो आइए तालाब के बीच में एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जो कि तालाब को 2 भागों में बांटता है, उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए यही छोटा सा एक ब्रिज है, ये आयरन का बना हुआ है टोटली। और ये देखिए सामने में सूर्योदय हो गया है। यहाँ पर अंकल जी सूर्य रोशनी से आँख में आँख मिलाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम हैं अभी दोस्तों ब्रिज पे जो कि आयरन ब्रिज है, इस पे हैं अभी हम। तो देख सकते हैं पीछे का जो व्यू है, पीछे देखिए वाटरफॉल बहुत अच्छा मतलब कि देखने में लग रहा है। तो आइए अब आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज़ है एनर्जी पार्क में। तो ये है दोस्तों बोटिंग प्लेस। यहाँ से अगर आपको एनर्जी पार्क में बोटिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3-3 बोट लगा हुआ है। अभी फिलहाल टिकट नहीं कट रहा है लेकिन 9 बजे के बाद टिकट करना शुरू हो जाता है और आप बोटिंग का मजा ले सकते हो। आगे में दोस्तों बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसपे सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं क्रिकेट ग्राउंड।
अगर आप लोग दोस्तों क्रिकेट के शौकीन हो तो आप एनर्जी पार्क में ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ्रेंचाइज आपको खरीद ही लेगी और अपने टीम के टीम 11 में रख लेगी। तो ज़रूर आइए जो भी क्रिकेट के जो भी प्रेमी हैं। यहाँ दो मादा आपस में मस्ती कर रही है और ये नर को बताना चाहती है कि इन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पढ़ती हुई लड़की का एक बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाया गया है जो देखने में वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक नर मादा को खुश करने का अत्यंत प्रयास कर रहा, कभी मादा के झुल्फों से खेलने का कोशिश कर रहा तो कभी शरीर के अन्य हिस्सों से। तो दूसरी तरफ यहाँ दो मादाएं मिलकर बैडमिंटन का लुत्फ उठा रही हैं। फाइनली इनका कॉर्क पेड़ से नीचे गिर गया, अब ये दोबारा खेलना शुरू करेंगे। तो फाइनली दोस्तों एनर्जी पार्क का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।